हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा लेटेस्ट टॉपिक रहेगा मेजरमेंट यानी माप। तो आइए जान लेते हैं मेजरमेंट की डेफिनेशन यानी उसकी परिभाषा। तो प्रिय विद्यार्थियों, टाइटल में भी देखिए मैंने लिखा हुआ है मेजरमेंट यानी माप। तो मेजरमेंट की डेफिनेशन होती है किसी भी जोब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जिस इकाई के अंदर व्यक्त की जाती है उसे हम मेजरमेंट्स कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इकाई का मतलब आप समझ गए होंगे, यूनिट्स यानी जो आपकी जो जॉब है ये, तो किसी भी साइज में तो इसको व्यक्त किया है, चाहे वो सेंटीमीटर में किया हुआ, चाहे मिलीमीटर में किया हुआ, चाहे इंच के अंदर किया हुआ, है ना। तो जॉब का हम जो मेजर लेते हैं, माप लेते हैं, तो मोस्टली आईटी के अंदर जो जॉब बनाई जाती है वो मिलीमीटर के अंदर ही बनाई जाती है। तो ये देखिए, इसका भी माप ऐसे लेके बनाया गया है कि भाई ये आपको लगभग जो काटना है ये 60 mm का, ठीक है ना, 60x60 का ये पीस काट लीजिए, या 60x6 cm का काट लेना चाहिए, या 60 mm हम बोल देते हैं। तो ये आपकी इकाई होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स यानी आपके जो माप हैं वो मुख्य कितने प्रकार के हैं। तो मुख्य माप प्रिय विद्यार्थियों आपके हैं 4 प्रकार के। नंबर एक पे रहेगा आपका लीनियर मेजरमेंट यानी रेखीय माप। तो रेखीय माप का मतलब क्या होता है कि किसी भी जॉब को का जो माप है वो एक सिर में मापा जाए, ठीक है ना। किसी भी जॉब का जो माप है वो लंबाई के अंदर मापा जाए, उसे हम लीनियर मेजरमेंट्स कहते हैं। लीनियर मेजरमेंट्स किसके द्वारा लिया जा सकता है, स्टील रूल के द्वारा लिया जा सकता है, देखिए सीधा। दूसरा किससे ले सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से। तीसरा किससे ले सकते हैं, माइक्रोमीटर से, ठीक है ना। और काफी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे डायरेक्ट मेजर लिया जा सकता है, तो वो आपका क्या है, रेखीय माप है यानी लीनियर मेजरमेंट्स। तो आइए बात करते हैं नंबर दो पे, एंगुलर मेजरमेंट्स। एंगुलर का मतलब क्या है कि दो जो रेखा है एक दूसरे को काटे, और जो एंगल जो बनता है वो आपका कोणीय माप होता है, एंगुलर मेजरमेंट होता है। एंगुलर मेजरमेंट्स माप लेने के लिए एक तो प्रोट्रैक्टर के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं, वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर के द्वारा भी एंगल माप सकते हैं, और आपका जो साइन बार है उसके द्वारा भी किसी जॉब का एंगल माप सकते हैं, ट्राई स्केल के द्वारा भी हम एंगल माप सकते हैं। तो ये देखिए, ये जॉब है, इसके जो एंगल जो बने हुए हैं ये वाले, ठीक है। तो ये किससे चेक करेंगे, एंगुलर मेजरमेंट बोला जाएगा, जिस एंगल से लगाए, जैसे ट्राई स्केल है तो ट्राई स्केल मैंने ऐसे लगाया है तो वो आपका एंगुलर मेजरमेंट है, ठीक है ना। देखिए नाम से ही प्रतीत होता है एंगुलर मेजरमेंट यानी किसी जॉब का एंगल मापना। नंबर थ्री पे रहेगा आपका रेडियल मेजरमेंट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, रेडियल का मतलब क्या है कि किसी भी जॉब का बाहरी व्यास मापना, उसे हम बोलते हैं रेडियल मेजरमेंट्स। तो ये देखिए, जॉब ली हुई है, इसकी मार्किंग करने के लिए कोई ना कोई तो सर्कल हमने लगाया ही है, ठीक है ना। वो किसके द्वारा चेक कर सकते हैं, गेज के द्वारा कर सकते हैं, रेडियल गेज के द्वारा कर सकते हैं, रिंग गेज के द्वारा चेक कर सकते हैं, वो आपका रेडियल मेजरमेंट्स है। उसके बाद में है आपका प्लेन सरफेस मेजरमेंट नंबर 4 पे। प्लेन सरफेस जो मेजरमेंट जो आपका रहेगा, इसमें किसी भी जॉब का ऊपरी जो भाग जो होता है, ठीक है ना, ऊपरी जो प्लेन जो सिरा होता है पीरियड, उसको मापने के लिए उसको हम बोलते हैं प्लेन सरफेस मेजरमेंट्स। ये किसके द्वारा चेक कर सकते हैं, एक तो स्ट्रेट एज होता है वो ऐसे लगा के हम चेक कर सकते हैं इसकी ये समतल है या नहीं, दूसरा DTI से भी हम चेक कर सकते हैं ये ठीक है या नहीं, तीसरा यूनिवर्सल सरफेस गेज के द्वारा भी हम चेक कर सकते हैं कि भी इसकी सरफेस में कोई एरर तो नहीं है, और काफी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इसकी जॉब के ऊपरी सरफेस को भी चेक किया जा सकता है। तो ये 4 प्रकार के मेजरमेंट। आइए आप जान लेते हैं माप की कितनी मुख्य प्रणाली होती है। तो मेजरमेंट्स यानी माप की मुख्य 2 प्रणाली होती है। नंबर 1 पे रहेगा आपका वेटिस प्रणाली, और नंबर 2 पे रहेगी मीट्रिक प्रणाली। तो जो वेटिस जो प्रणाली होती है उसको हम FPS के नाम से भी जाना जाता है, फुट पाउंड सेकंड। इसमें लंबाई जो होती है प्रिय विद्यार्थियों फुट में मापी जाती है, और भार है वो पाउंड में, और समय सेकंड में मापा जाता है। उसके बाद में है आपका मीट्रिक प्रणाली। आज के आधुनिक युग के अंदर भी और इंडिया के अंदर सबसे अधिक जो प्रचलित प्रणाली है वो आपकी मीट्रिक प्रणाली है। इसको हम CGS के नाम से भी जाना जाता है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, यानी लंबाई है वो सेंटीमीटर में मापी जाती है, और भार है वो ग्राम में, और समय सेकंड में मापा जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं माप किन किन विधियों से लिया जा सकता है, यानी मेजरमेंट्स मेथड्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेजरमेंट्स मेथड हैं वो आपके
तीन मुख्य प्रकार के होते हैं। नंबर एक पे रहेगा आपका डायरेक्ट मेजरमेंट्स, और हिंदी में इसको बोला जाता है प्रत्यक्ष माप। नंबर दो पे है इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स यानी अप्रत्यक्ष माप, और नंबर तीन पे रहेगा कंपेरेटिव मेजरमेंट्स, और हिंदी में इसको बोला जाता है तुलनात्मक माप। तो प्रयोगदात्व तीन प्रकार के होते हैं। अब आइए जान लेते हैं इन तीनों की डेफिनेशन। तो नंबर एक पे रहेगा आपका डायरेक्ट मेजरमेंट यानी प्रत्यक्ष माप, जो माप दूसरे इक्विपमेंट्स के बिना सहायता से मापा जाए उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट्स। यानी जब किसी जॉब का माप लेते हैं तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता न पड़े उसे हम डायरेक्ट मेजरमेंट्स कहते हैं। तो जैसे ये देखिए स्टील जो रूल लिया हुआ है और इस जॉब का मेरे को माप लेना है तो डायरेक्ट मैं माप सकता हूँ। तो ये कौन सा रहेगा आपका डायरेक्ट मेजरमेंट्स, कौन कौन से होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, स्टील रूल होते हैं, या फिर जितने भी गेज होते हैं वो सारे प्रत्यक्ष मापी है जिसमें दूसरे इक्विपमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद में है आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट यानी अप्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप लेने के लिए जैसे अपने कैलिपर जो होते हैं, ठीक है, ऑल लेग कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर है, ये इसके किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टील रूल की आवश्यकता पड़ती है इसको मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका कौन सा रहेगा अप्रत्यक्ष मेजरमेंट्स। उसके बाद में है आपका कंपेरेटिव मेजरमेंट यानी तुलनात्मक, यानी किसी दूसरे मास्टरपीस के द्वारा उसको तुलना करके बताया जाए ये सही है या नहीं है, या कम है या ज़्यादा है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि टेम्पलेट बनाकर हम उसका माप जो है वो चेक कर सकते हैं। तो फिर मैंने आपको मेजरमेंट के बारे में बता दिया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपको जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।